वेलकम टू बटरफ्लाई स्कूल। आप हिंदी की CW खोलिए और मेरे साथ आपका गृह कार्य देखिए। इकाई 6 सुबह। आपने शब्दार्थ और मुहावरे भी लिख लिए हैं, अभ्यास का प्रश्न भी और स्वाध्याय का प्रश्न भी लिख लिया है। हम देखने वाले हैं प्रश्न अभ्यास का है भी दो। अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? उत्तर, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। दो, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, भाव समझाइए। पोलियो के कारण रेशमा की दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत से कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास से और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था। स्वाध्याय प्रश्न 6 अ, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए उदाहरण के अनुसार। उदाहरण, माँ को मिलते मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, माँ को मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। एक, ऐसी कई घटना मेरे साथ घटी है, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है, तो परिचारिका ने मरीज की अच्छी देखभाल की, परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। तीन, रात को मैंने सुंदर सपना देखा, रात को हमने सुंदर सपना देखा। चार, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया, भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। अब हमें निर्देशित शब्दों को चित्र के शब्दकोश के क्रमानुसार लिखना है, वो प्रश्न आपको नहीं करना था। यहाँ तक आपका CW में गृह कार्य पूर्ण हुआ। आज का आपका गृह कार्य है CW में पहेलिया है 7 नंबर, बुझो तो जाने, उसके शब्दार्थ आपको लिखना है और वो पहेलिया CW में लिखनी है और उसके उत्तर भी आपको लिखना है। यहाँ तक आप अच्छे से गृह कार्य कर लेना। हम आगे के पीरियड में बुझो तो जाने, पहेलिया की समझौती देखेंगे।